बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एलिमेंट की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में एलिमेंट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम मज़ीद एलिमेंट को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसको डिफाइन करें तो अ सब्सटांस विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम से मिलके बनी हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका बताया था कि सब्सटांस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो ये भी उसका भी यही मतलब है कि इसमें फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड और कॉपर एलिमेंट के तौर पे इसको देखें तो आयरन जो है कहीं पे भी होगा, आयरन का कोई पीस होगा तो उसके अंदर सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, उसी के एटम्स होंगे। गोल्ड में भी उसी तरह होगा और कॉपर में भी। मिसाल के तौर पर मैं एक आयरन का पीस लेता हूँ, इसी तरह एक गोल्ड का पीस लेता हूँ, इसी तरह एक कॉपर का पीस लेता हूँ। आयरन का एलिमेंट है तो उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स आयरन के होंगे, गोल्ड का एलिमेंट है तो उसके अंदर सारा का सारा गोल्ड ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। इसी तरह कॉपर की एग्जाम्पल लिया तो कॉपर के अंदर भी जो कॉपर के अंदर जो एटम्स है वो सारे के सारे कॉपर के ही होंगे। तो ये इसकी बात होगी डेफिनेशन की। उसके बाद हम देखेंगे कि एलिमेंट्स अभी तक इस दुनिया में कितने मौजूद हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो कि हम थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे, उसमें आपको मजीद डिटेल से बताएंगे पीरियोडिक टेबल में कि एलिमेंट्स की क्या तरतीब है। लेकिन फिलहाल आप इतना जान लें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो है 118 के करीब है। उसके बाद इसमें अगर देखें कि नेचुरली यानी कुदरती तौर पर कितने पाए जाते हैं तो वो है 92, और सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब जो इंसान ने खुद बनाए हैं या लेबॉरेटरी में तैयार किए हैं, वो है 93 से लेकर लास्ट तक। तो ये इसकी बात होगी एलिमेंट की कि कोई भी सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हो, उसके अंदर कोई दूसरा एटम मौजूद ना हो, उसको क्या कहते हैं एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी तक 118 कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, 92, और जो मैन मेड है इंसान ने जो बनाए हैं सिंथेटिक है, वो 93 से लेकर आखिर तक जो भी है वो सिंथेटिक है। एलिमेंट्स को फिर मजीद क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स। तो मेटल्स की अगर बात करें, मेटल्स क्या चीज़ है जिसको उर्दू में धात कहते हैं? मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी धातें हैं, जो मेटल्स हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से पास हो सकती है। तो ये होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एग्जांपल ले लें अगर, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स के कुछ एग्जांपल हैं। मेटल्स बहुत सारे हैं, तकरीबन 90% जो है वो पीरियड टेबल में वो मेटल्स ही है, बहुत बहुत जगह इन्होंने पीरियड टेबल में पकड़ी हुई है। तो इसकी निशानी क्या है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पे एक हिंट की बात याद रखें कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है उनके नाम UM पे एंड होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, रुबीडियम, सीजियम, सारे नहीं लेकिन बहुत हद तक यानी 90% तक जो मेटल्स हैं उनकी निशानी ये है कि उनका UM पे एंड होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स मेटल से थोड़ा मुख्तलिफ हैं, जाहिर है ये गुड कंडक्टर है तो ये क्या है? बैड कंडक्टर या इंसुलेटर भी कह सकते हैं इसमें। ऐसी चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उसको हम इंसुलेटर कहते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स की क्या एग्जांपल हो सकती है? नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये कुछ नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। क्या पढ़ा हमने नॉन मेटल्स में? कि नॉन मेटल्स जो है वो मेटल्स के मुकाबले में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते और यानी कि ये इंसुलेटर होते हैं। तो इसकी चंद एग्जांपल्स मैंने दी है। इसमें और इसमें आप फर्क देखें कि मेटल में जो है वो
यूएम एंड पे यूएम यूएम की आवाज आती है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, जबकि नॉन मेटल्स में इस तरह का कोई नहीं है। अब बात करते हैं मेटालाइट्स की। मेटालाइट्स जो है वो एलिमेंट की तीसरी टाइप है। तो ये इन दोनों का मिक्सचर है, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर है, यानी कि ये 50% कंडक्टर और 50% इंसुलेटर। ये क्या होते हैं जी, 50% कंडक्टर और 50% इंसुलेटर होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, मेटालाइट्स। अब मेटालाइट्स जो है वो पीरियडिक टेबल में कितने मौजूद हैं, ये तकरीबन टोटल इसके जो नंबर्स हैं वो है 8, 8 की तादाद में ये अभी तक पीरियडिक टेबल में मौजूद हैं। मेटालाइट्स की मजीद क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये होते हैं जी, दे कैन पास वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी। मेटालाइट्स जो है वो बहुत कम करंट को अपने बीच में से गुजरने देते हैं, इसीलिए ये कहते हैं ना कि 50% कंडक्टर या 50% ये इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी या करंट की बहुत कम मिकदार को गुजरने की इजाज़त देते हैं। ये मेटालाइट्स हैं। इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सिलिकॉन और जर्मीनियम, सिलिकॉन और जर्मीनियम इसकी मैंने दो एग्जांपल्स दी हैं। ये सिलिकॉन और जर्मीनियम कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होती हैं एज एन इंसुलेटर, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एलिमेंट के बारे में। इसमें हमने क्या सीखा जी, कि एलिमेंट क्या चीज़ है, एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब अ पीस ऑफ मैटर, एक मैटर का पीस है जो कि वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है। और वो फॉर एग्जांपल वो क्या चीज़ें हैं, आयरन की मिसाल दी है, गोल्ड की मिसाल दी है, कॉपर की मिसाल दी है, कि आयरन का अगर पीस लेंगे तो उसमें सारे के सारे एटम्स आयरन के ही होंगे, इसी तरह गोल्ड और कॉपर के भी। फिर हमने ये सीखा कि अभी तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, 118। इसमें कुदरती तौर पर कितने पाए जाते हैं, 92। और सिंथेटिक कितने हैं, यानी जो इंसान ने लेबॉरेटरी में तैयार किए, वो है 93 से लेकर 118 तक। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की, तो तीन टाइप्स की है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स। मेटल्स क्या होते हैं जी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटाशियम। नॉन मेटल्स क्या होते हैं जी, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या ये इंसुलेटर कहलाते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन चीज़ों में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तीसरी टाइप क्या थी जी, मेटालाइट्स, ये क्या होते हैं जी, ये 50-50 है, इसकी मतलब के ड्यूल नेचर है इसका, 50% कंडक्टर है और 50% इंसुलेटर, और इनकी तादाद कितनी है, 8। और ये सिर्फ छोटी मिकदार की, बहुत कम मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या जी, सिलिकॉन और जर्मीनियम, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में सिलिकॉन और जर्मीनियम यूज होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।